कपड़ा तेरे बाप का, अच्छा तेल तेरे बाप का, अच्छा आग भी तेरे बाप की, अच्छा और चलेगी भी तेरे बाप की। तो दोस्तों ये है वो डायलॉग आदिपुरुष मूवी का जिस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। मतलब आप खुद सोचिए कि हनुमान जी जो कि भगवान हैं वो ऐसी छपरियों वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और ये इस मूवी में दिखाया गया है। और सिर्फ हनुमान जी के डायलॉग नहीं, यहाँ पे हर चीज़ ही अजीब बना रखी है। पता नहीं क्या क्या दिखाया हुआ है। हनुमान जी को छोड़ के बाकी लोगों के भी डायलॉग अगर आप सुनो, राज खड़ा है, अच्छा हमको सिखा दिया है, कल लेटा हुआ मिलेगा। अब चलिए डायलॉग तो एक चीज है, मगर इसमें बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो कि आपको लगेगा बाहुबली से कॉपी किया। अब जैसे ये वाला सीन है जहाँ पे राघव जो है वो शिकार करने जा रहे हैं और देखिए ये बिल्कुल मैच करता है बाहुबली के सीन से। तो पता नहीं डायरेक्टर क्या दिखाना चाहता था और क्या करना चाहता था, बट ये बहुत अजीब है। और यहाँ देखिए एक और सीन, जैसे बाहुबली में देवसेना को जंजीरों से बांधा हुआ था, यहाँ माँ सीता को जंजीरों से बांध के बिल्कुल देवसेना जैसा दिखाया है। मारो मुझे। अच्छा तो अब हम आते हैं रावण पे जो कि चमगादड़ों की सवारी कर रहा है और पुष्पक विमान की नहीं, और बिल्कुल हेयर स्टाइल ऐसा बना रखा है जैसे विराट कोहली का हेयर स्टाइल हो, स्पाइक्स हैं और साइड में कट है। फिर देखिए हमारे दिमाग में एक रावण की छवि है कि रावण के 10 सिर हैं, मगर यहाँ पे जो उसके 10 सिर दिखाए गए हैं भाई साहब, इनमें और कुछ क्रिएटिविटी डाल के फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कर दिया है। तो 5 सिर उसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं और 5 सिर उसके सेकंड फ्लोर पे हैं। ये कुछ अजब था। और फिर एक बार तालियां बजा दीजिए इनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए। अरे भाई कहाँ से ये श्री राम की ड्रेस लग रही है या कहाँ से ये श्री राम लग रहे हैं? उनके कपड़े देखिए, उनके बाल देखिए, ये क्या बनाना चाहते थे तुम? और फिर देखिए ये इंद्रजीत नहीं है दोस्तों, ये है फ्लैश जो कि हॉलीवुड मूवीज से यहाँ पर ट्रांजिशन हो गए। पता नहीं क्या क्या दिखाना चाहते थे। सल्यूट है इनके डायरेक्टर्स को और प्रभास को जिन्होंने ऐसी मूवी करी और ये कलयुग की रामायण बनाई जो कि हमारी रामायण से बिल्कुल ही अलग है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मूवी तो बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, मगर अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। जय श्री राम।